नमस्कार, लोकस्वर टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच में लगी आग, बिलासपुर स्टेशन में मचा हड़कंप, रेलवे की सेफ्टी पर सवाल। जिले में शक्ति वंदन की शुरुआत, कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं का किया जाएगा प्रसार। और सिम्स में ओपीडी व्यवस्था हुई हाईटेक, टोकन के लिए मरीजों को कतार से मिली निजात। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 में खड़ी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के एसी कोच में अचानक आग लग गई। इससे स्टेशन परिसर में खड़े यात्रियों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे आरपीएफ के जवान और रेलवे अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। घटना की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की एसी बोगी में शुक्रवार सुबह आग लग गई। पहले तेज धुआं उठा, ये देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर और आरपीएफ अग्निशमन यंत्र लेकर बोगी के भीतर दाखिल हुए और किसी तरह आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है घटना की वजह शॉर्ट सर्किट है। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की रैक से ही बिलासपुर कोरबा पैसेंजर ट्रेन चलाई जाती है। परिचालन के लिए ट्रेन कोचिंग डिपो से बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ी हुई। इस समय ट्रेन की सभी बोगियां बंद थी। थोड़ी देर बाद गेट खोले जाते हैं और इसमें यात्री सवार होते हैं, लेकिन उससे पहले ही M1 कोच में तेज धुआं उठने लगा। देखते ही देखते पूरा प्लेटफॉर्म धुआं धुआं हो गया। ये नजारा देखकर प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री सख्ते में आ गए। स्टेशन में हड़कंप देख स्टेशन मास्टर, आरपीएफ और अन्य रेलकर्मी अग्निशमन यंत्र लेकर पहुंचे। इस समय तक आग कुछ भड़कने लगी थी, लेकिन जल्दी ही इस पर काबू पाया गया। अब घटना के लिए रेलवे वजह जानने की जांच कर रहा है। सही उसमें स्मोक इमिशन की घटना हुई, तुरंत उसको बुझा दिया गया अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग कर करके, और उस कोच को डिटैच किया गया वो, और फिर वह ट्रेन जो पैसेंजर स्पेशल ट्रेन थी कोरबा से, बिलासपुर से कोरबा जाने वाली, वह 8:05 सुबह में अपने गंतव्य पर रवाना हो गई। घटनाएं हुई हैं तो सबसे पहले तो देख दो चीज़ें होती है। पहले तो जो घटना हुई तो घटनाओं का शमन करना हमारा काम, सबसे प्राथमिक काम होता है। उसके बाद किस कारण से आग लगी, किस कारण से दो स्मोक इमिशन हुआ, जो घटनाएं अग्निशमन की घटनाएं हुई उसका पता लगाना है, और आगे इस तरह की घटना ना हो तो वह कार्रवाई करनी है। इस घटना के बाद रेलवे अधिकारियों के द्वारा कोच को मरम्मत के लिए कोचिंग डिपो भेज दिया गया। हादसे की जाँच के लिए आरपीएफ, जीआरपी और फोरेंसिक टीम समेत रेलवे के अधिकारी कोचिंग डिपो पहुंचे। कोच के अंदर का नजारा देखने लायक था। दो कूपा पूरी तरह जलकर खाक हो गया। कूपा के सभी सीट समेत अन्य उपकरण पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। फॉरेंसिक टीम ने जब इसकी जांच की तो पहले उन्होंने स्विच बोर्ड पर शॉर्ट सर्किट की बात कही, जिसके बाद आग आगे फैल गई। जोन के सीपीआरओ ने कहा आगजनी की ऐसी घटना फिर न हो, इस बात का ख्याल रखा जाएगा। पहली नजर में आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। फिलहाल पूरी घटना की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस हादसे के पीछे असल वजह क्या थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। तारबहार अंडर ब्रिज को एक्सटेंशन ब्रिज से जोड़ने के लिए 8 से 22 फरवरी तक काम किया जाएगा। संपार फाटक को भी इस दौरान बंद रखा गया है। बंद के दूसरे दिन भी जनता को परेशानी हुई, मौके पर कोई बताने वाला नहीं था। लोग बंद फाटक के नीचे से आना जाना कर रहे थे। बहुत से लोग अंडर ब्रिज बंद होने से वापस लौट गए। रेलवे ने 15 दिन के लिए सिरगिट्टी फाटक को बंद कर दिया है। बावजूद इसके लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे प्रशासन ने अपील की है कि कुछ ही दिनों तक उन्हें परेशानी होगी, काम पूरा होने के बाद सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित होगा, तब तक लोग दुर्घटना और परेशानी से बचने वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करें। 15 दिन तक वेट कर लें, क्योंकि यह आपकी सुविधा के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है, और जब तक यह ब्रिज नहीं बनता, अंडर ब्रिज नहीं बनता, तब तक आपके पास चुचुहिया पारा ओवरब्रिज, हेमूनगर का ओवरब्रिज और तिफरा ओवरब्रिज से रास्ता पार करें। और यह भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि जो या किसी भी तरह की, मैं या लोगों से अपील करता हूँ कि
ट्रैक को पार ना करें। ट्रैक पार करने से आपकी सुरक्षा को आपकी हानि पहुंच सकता है, आपके जीवन को हानि पहुंच सकता है, तो ऐसे काम ना करें जल्दीबाजी के चक्कर में जिससे कि आपके परिवार को लॉस हो। अनूपपुर अमलाई रेलवे स्टेशन के बीच तीसरी लाइन बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। इस सेक्शन में जल्द परिचालन प्रारंभ हो सके, लिहाजा एसी सर्कल के रेलवे सेफ्टी आयुक्त बीके मिश्रा इसे परखने के लिए पहुंचे। उन्होंने बारीकी से जांच की। हालांकि अभी उन्होंने इस लाइन पर परिचालन की अनुमति नहीं दी है, लेकिन जल्दी हरी झंडे मिलने की उम्मीद है। अधोसंरचना विकास व गाड़ियों के गतिशील परिचालन के लिए मंडल में नई रेल लाइन, दोहरीकरण, तीसरी लाइन और चौथी लाइन का कार्य व्यापक स्तर पर कराया जा रहा है। जैसे जैसे कार्य पूरे हो रहे हैं, जरूरी प्रक्रिया के तहत सेफ्टी कमिश्नर का निरीक्षण दौरा हो रहा है ताकि इन लाइनों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू कराया जा सके। इसी के तहत बिलासपुर रेल मंडल के अंतर्गत अनूपपुर कटनी स्टेशनों के मध्य 165 किलोमीटर से ज्यादा विद्युतीकृत तीसरी लाइन बिछाने की योजना है। इस योजना को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। एसी सर्कल आयुक्त बीके मिश्रा निरीक्षण दल के साथ विशेष गाड़ी से अनूपपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां उन्होंने पैनल रूम, स्टेशन और यार्ड का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने नई लाइन का अनूपपुर व अमलाई स्टेशन तक मोटर ट्रॉली से जायजा लिया। अनूपपुर से कटनी का तीसरी लाइन का कार्य, यह भी कार्य बहुत हद तक पूरा हो चुका है और लगभग हम यदि कहें कि अनूपपुर से लेकर सिंहपुर तक यह काम पूरा हो चुका है। चंदिया लोहरा के बीच में यह काम पूरा हो चुका है और आने वाले वित्तीय वर्ष में यह भी काम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे हमारे बड़े वर्क हैं। इसके अतिरिक्त हमारा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अपने अवसंरचनात को बढ़ाने के लिए और जो हमारी कैपेसिटी अभी है उस कैपेसिटी को और इन्हांस करने के लिए ऑटोमेटिक सिग्नलिंग की व्यवस्था कर रहा है। केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देने और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र और राज्य की योजनाओं की जानकारी देने और लाभार्थियों को जोड़ने शक्ति वंदन कार्यक्रम 11 फरवरी को लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में होगा। इसकी औपचारिक शुरुआत शुक्रवार को हुई। महापौर रामशरण यादव और कार्यक्रम की जिला संयोजक राजश्री चौकसे ने महिलाओं को संबोधित किया। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर महिला वोटरों को जोड़ने के लिए शक्ति वंदन कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत 10 करोड़ महिलाओं तक भाजपा ने पहुंचने का लक्ष्य बनाया है। शुक्रवार को नगर निगम के दृष्टि सभा कक्ष में शक्ति वंदन पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महापौर रामशरण यादव और जिले में शक्ति वंदन की संयोजक जयश्री चौकसे ने यहाँ पहुंचकर स्व सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया। महापौर ने कहा, समाज में समानता और समृद्धि लाने, नारी शक्ति को मजबूती देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई है। आम जन इसका किस तरह फायदा उठाए इसकी जानकारी स्व सहायता समूह की बहनें उन्हें देंगी। इसके लिए ये कार्यक्रम रखा गया। बहुत सारे जो शासन का समय समय पर योजना लागू हुई है उसकी जानकारी देने के लिए आज ये बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी प्रकार के शासन के द्वारा दिए जाने वाले लाभ के विषय में बताया गया। जो हमारे बहनों को 5,000, 10,000, 50,000, 2,00,000 तक का जो लोन मिलता है, हमारे जो और दूसरे प्रकार के जो काम करने वाले लोग हमारे साथियों को भी मिलता है, जो वो सभी योजना का जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचता था, उसको सबके घरों घरों तक एक एक आदमी तक पहुंचाने का काम नगर निगम के द्वारा लगातार किया जाता है। जयश्री चौकसे ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य महिलाओं को लखपति दीदी बनाना है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ महिलाओं तक पहुंचे, इसके लिए उन्हें जागरूक रहकर दूसरी महिलाओं को इससे जोड़कर सभी को फायदा पहुंचाना है। पूरे देश में अगर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 3 करोड़ दीदियों को हम लखपति बनाने का है, तो इसका ये शुरुआत कर रहे कि हमारे जो है ये पूरी डिटेल्स हमारे पास में आई हुई है और हम आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के नगर पंचायत हैं, नगर निगम हैं, इनके हर जगह हमारी जो स्व सहायता समूह से बहनें जुड़ी हुई हैं, आज उनको बैठ के चाय पे चर्चा की गई है, सरकार की पूरी योजनाओं की जानकारी दी गई है और आने वाले समय में 11 तारीख को है ये बृहद रूप में एक एक बहनें हमारी कम से कम एक एक कार्यक्रम में बहुत सारी संख्या में बहनें हमारी उपस्थित होंगे। अभियान के माध्यम से जिले की 50,000 से ज्यादा स्व सहायता समूह की बहनों से मिलकर उनको सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बताना है। इसके लिए लखीराम ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम शनिवार को रखा गया है।
महिला बाल विकास की कार्यक्रम अधिकारी राजेश्वरी पाटले ने महतारी वंदन योजना के बारे में फैला भ्रम दूर कर विवाहित महिलाओं को लाभ लेने आगे आने कहा। नगर निगम में समाज कल्याण अधिकारी रेणुका पिंगले ने कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया और बताया कि नगर निगम और महिला बाल विकास के मार्गदर्शन में महिलाओं को कार्यक्रम से जोड़ने तैयारी की है। अंत में अलग अलग समूह ने अतिथियों का अभिनंदन किया। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। पायल एक नया सवेरा और साथी हाथ बढ़ाना, स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर बालिका शिक्षा के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार किया है। सपनों की उड़ान इस प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी देने संगठन के प्रमुख महिलाएं शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब पहुंची। उन्होंने बताया कि शिक्षा के साथ बालिकाओं को कैरियर बनाने में संगठन मदद करेगा और बेहतर भविष्य का रास्ता आसान करेगा। पांचवीं कक्षा के बाद कैरियर बनाने तक 50 बालिकाओं का संपूर्ण खर्च इस प्रोजेक्ट के माध्यम से वहन किया जाएगा। सपनों की उड़ान के लिए चयनित छात्रों के इस प्रोजेक्ट का संचालन सलाहकार समिति में अनुभवी शिक्षाविद शामिल किए गए हैं। यह ध्यान रखेंगे कि सामान्य पाठ्यक्रम के साथ छात्राओं को व्यक्तित्व निर्माण, उनकी रुचि के अनुसार संगीत, खेल, व्यापार या अन्य क्षेत्र में भविष्य संवारने पूरा सहयोग करेगा। हमारा जो नया प्रोजेक्ट है उसका नाम ज्ञान सपनों की उड़ान, और ये प्रोजेक्ट दो NGO मिलकर साथ में कर रहे हैं। एक है साथी हाथ बढ़ाना, एक पायल एक नया सवेरा वेलफेयर फाउंडेशन, दोनों मिलके इस नए प्रोजेक्ट को हमने अपने हाथों में लिया है। कोशिश पूरी रहेगी कि जैसी सुविधा हम दे सकें अच्छे से अच्छे बच्चियों का करियर बनाएं, और जहां तक वो पढ़ना चाहती हैं या किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहती हैं तो हम कैसे भी करके मिल के साथ में, एक और एक जैसा कि पायल जी ने कहा 11 होते हैं, तो हम दोनों मिलके, हमारा दोनों का NGO मिलके, ग्रुप मिलके, हम इन बच्चियों का जीवन बनाने को के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कोटा जनपद के सभापति कन्हैया गंधर्व ने आदिवासी सेवा सहकारी समिति केंदा के शाखा प्रबंधक पर धांधली का आरोप लगाया है। प्रेस क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि समिति में रखा पुराना धान किसानों की पर्ची के माध्यम से खरीदा जा रहा है। विरोध करने वाले किसानों पर इसके लिए दबाव बनाया जाता है। उन्होंने कहा इसकी शिकायत जिला प्रशासन, जिला पंचायत CEO और विपणन अधिकारी से की है। हालांकि उनकी ओर से अभी कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। शाखा प्रबंधक सुरेंद्र गुप्ता ऑपरेटर से मिली भगत कर पुराना धान को नया बताकर खरीदी किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र सहकारी समिति में आने वाले किसानों से अभद्रता की भी उन्होंने शिकायत की है। निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने जिला प्रशासन से की गई है। मैं संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूँ कि जांच होने के बाद, केवल प्रतीत कह रहे हैं लेकिन जांच होने के बाद भी मुझे कोई पावती नहीं दिया गया है। विभाग के द्वारा तो जो टीम बना हुआ था टेक्निकल है और वो तो सभी लोग जांच में गए हैं, लेकिन मुझे इसलिए प्रतीत होता है कि अभी तक मुझे कोई पावती नहीं दिया गया, कोई पंचनामा की पावती नहीं दिया गया। और मैं जब पावती मंगा तो कल मेरे को फूड इंस्पेक्टर के द्वारा खाली कोरे कागज में बिना साइन वाला मुझे दिया गया। हाईकोर्ट की फटकार और कलेक्टर द्वारा लगातार निरीक्षण के बाद छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान यानी सिम्स की व्यवस्था में सुधार और मरीजों को राहत मिल रही है। सिम्स के MRD में मरीजों के पंजीयन के लिए टोकन व्यवस्था शुरू हो गई है। लंबे समय तक लाइन में खड़े रहकर इंतजार करने से मुक्ति मिल गई है। गर्भवती, बुजुर्ग, दिव्यांग सहित इलाज कराने पहुंचे सभी तरह के मरीजों को इससे राहत मिली है। पंजीयन कक्ष के सामने हॉल में मरीजों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। टोकन नंबर आने पर ही काउंटर पहुंचकर वे अपना OPD रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस हाईटेक और डिजिटल व्यवस्था को देखकर लोग काफी खुश हैं। सिम्स प्रबंधन भी आए दिन होने वाले झगड़े और शोर शराबे से राहत महसूस कर रहा है। तखतपुर के कोड़ापुरी में रहने वाले एक युवक करण पटेल ने अज्ञात कारणों से जहर का सेवन कर लिया। आनन फानन में उसे उपचार के लिए सिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच में उसे मृत पाया। सिम्स चौकी में मेमो के आधार पर मर्ग कायम कर लिया गया है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। वाहन के चपेट में आने से 42 वर्षीय पुनीतराम साहू की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पुनीतराम साहू किसी कार्य से घर से बाहर गया था। इसी दौरान अज्ञात वाहन की चपेट में आने से वह बुरी तरह घायल हो गया। सिर पर चोट लगने के कारण बेहोशी की हालत में उसे उपचार के लिए सिम्स लाया गया था। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर।
प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन के एसी कोच में लगी आग। बिलासपुर स्टेशन में मचा हड़कंप। रेलवे की सेफ्टी पर सवाल। जिले में शक्ति वंदन की शुरुआत। कार्यक्रम के जरिए सरकार की योजनाओं का किया जाएगा प्रसार। और सिम्स में ओपीडी व्यवस्था हुई हाईटेक। टोकन के लिए मरीजों को कतार से मिली निजात। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। बढ़ा हुआ राज्यांश देने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और तखतपुर की मितानिन ट्रेनर ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया है कि 3 दिवस के भीतर उनका भुगतान किया जाए। उन्होंने बताया कि विभाग में मांग करने पर बजट नहीं है कहकर टाल दिया जाता है, जबकि अन्य जिलों में इसका भुगतान कर दिया गया है। बताया कि बिलासपुर जिले के मितानिन ट्रेनर को 3 महीने हो गए, बढ़ाया राज्यांश नहीं दिया गया है। 5 महीने रनिंग है, 5 महीने से नहीं मिला है। सितंबर से हम लोगों का जो राज्यांश मिलता था वो नहीं मिला है, और हमेशा से हम लोग अभी क्षतिपूर्ति भी नहीं मिला है जनवरी का, और ये फरवरी आखिरी होने जा रहा है, और हमेशा से हम लोग का क्या बोलते हैं लेट से पेमेंट किया जाता है। और जब बोलते हैं तो बजट का इशू बताया जाता है, बजट नहीं है तो कहाँ से देंगे, क्या देंगे, ऊपर जाओ अपने मंत्री से बात करो, एचआरसी से बात करो, ऐसा बोला जाता है। 5 महीने से जो अनुपूरक बजट में बढ़ाया गया था वो राशि अभी तक नहीं दिया गया है, जबकि अन्य जिलों में दे दिया गया है, क्योंकि हम लोगों को मैसेज के माध्यम से पता चलता रहता है, सिर्फ अपने ज़िले में नहीं दिया गया है। और हम लोगों को क्षतिपूर्ति जो हमको मिलता है वो भी 3 महीने 4 महीने मिलता है, और यहाँ आके हम गुहार लगाते हैं तभी मिलता है, प्रॉपर हर महीना नहीं मिलता। और 3 महीना में भी मिलता है तो कभी राज्यांश देते हैं तो कभी केंद्रांश देते हैं, एक साथ नहीं देता। जो भी राशि है मितानिनों का भी ऐसी है, मितानिनों को भी पूरा राशि नहीं दिया जाता। दिव्यांगजनों की स्थिति में सुधार लाने उनकी अस्मिता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शुक्रवार को किया गया। शासकीय जेपी वर्मा कॉलेज के हिंदी विभाग द्वारा आयोजित संगोष्ठी का शीर्षक 21वीं सदी का अस्मिता मूलक दिव्यांग विमर्श था। संगोष्ठी में देश के शिक्षाविद साहित्यकार शामिल हुए और दिव्यांगों की स्थिति बेहतर बनाने विचार व्यक्त किए। राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष विनय पाठक ने इस विषय पर अपने शोध और अनुभव से विचार साझा किया। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर SL निराला, सभी प्रोफेसर और स्टूडेंट कार्यक्रम में शामिल हुए। 20वीं सदी में हम दलित विमर्श पर, स्त्री विमर्श पर, आदिवासी विमर्श पर बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन 21वीं सदी जो है विकलांग विमर्श पर चर्चा हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने महाविद्यालय में ये राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और विभिन्न स्तरों से लोग भाग आए हुए हैं। जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले लोगों में UTS ऑन मोबाइल ऐप की पूछ परख बढ़ने लगी है। यही वजह है कि इस ऐप के जरिए टिकट खरीदने वाले यात्रियों का आंकड़ा 20% से अधिक हो गया है। इससे रेल प्रशासन संतुष्ट तो है, लेकिन प्रयास यह है कि आंकड़ा 100% पहुंच जाए। इससे यात्रियों को ही फायदा होगा, उन्हें काउंटर में कतार लगाकर टिकट खरीदने से निजात मिलेगी। इस योजना को धरातल पर आए कुछ साल हुए हैं, शुरुआत में यात्रियों को इसकी जानकारी नहीं थी। बाद में प्रचार प्रसार अभियान से जैसे जैसे यात्रियों को इसकी जानकारी मिलने लगी, UTS ऐप का उपयोग बढ़ने लगा है। UTS ऑन मोबाइल ऐप को यात्रियों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। घर बैठे यात्रा टिकट बुकिंग के साथ साथ सीजन टिकट और नवीनीकरण कराने की सुविधा भी इस ऐप में दी गई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।